क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर की फैक्ट्रीज में बनने वाली लग्जरी कार्स कैसे अलग अलग देशों में बैठे अपने ग्राहकों तक सही समय पर पहुंच पाती हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आप सबको इस बारे में कुछ जानकारी देते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फैक्ट्री से तैयार किए गए नए वाहनों को रेलवे वैगन्स या फिर स्पेशल ट्रक्स की रैक्स में रखकर शिपिंग पोर्ट तक ले जाया जाता है। एक 70 रैक वाली ट्रेन 800 या उससे अधिक वाहनों को ले जा पाने में सक्षम होती है। एक फैक्ट्री से निकली हुई नई कार के शुरुआती जीवन काल में उसे करीब 1300 मील का सफर तो सिर्फ रेलगाड़ी में पूरा करना होता है। ऑटो रैक्स वाले ट्रकों के माध्यम से भी गाड़ियों को फैक्ट्री से पोर्ट तक बहुत आराम से ले जाया जा सकता है। जिन पर दो डेक्स होते हैं वो ट्रक्स बड़े वाहन जैसे कि SUVs ले जाने का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर तीन डेक वाले ऑटो रैक्स सेडान्स और अन्य छोटे वाहनों के लिए पर्याप्त हैं। ट्रक्स और रेल द्वारा कार्स को पोर्ट तक पहुंचाने के बाद इनको अपने उचित निर्यात के देशों तक पहुंचने की यात्रा शिपिंग कंटेनर्स या फिर रोल ऑन रोल ऑफ जहाज, जिन्हें रोरो शिप्स भी कहते हैं, के माध्यम से पूरी करनी होती है। वैसे तो कार्स को हवाई जहाज से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम उन्हें रोरो जहाज के जरिए ही शिप किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा किफायती होता है। जैसे ही सभी वाहन शिपिंग पोर्ट तक पहुंचते हैं, उन्हें अपनी लोडिंग डेस्टिनेशन के अनुसार पार्क कर दिया जाता है तथा ऐसे वाहन जो मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं उन्हें गोपनीय रखने के लिए कैमोफ्लाज कर दिया जाता है। ड्राइवर्स की एक टीम जहाज का अपने टर्मिनल तक आने का इंतजार करती है, जिसके बाद ये टीम वाहनों को शिप में उतारना या उन पर चढ़ाना शुरू करती है। सामान्यतः वाहनों की चाबी उनके अंदर ही होती है, जो ड्राइवर्स का काम आसान बना देता है। रोरो जहाज के बो या स्टर्न पर बनी हाइड्रोलिक रैम्स वाहनों को जहाज में चढ़ाने या उतारने में सहायता देती हैं, और यह किसी भी क्रेन के प्रयोग से अधिक कारगर और कम समय लेने वाली प्रक्रिया है। कार्स, ट्रक्स, बसेस, ट्रेलर्स या फिर कोई भी विशाल औद्योगिक वाहन, रोरो जहाज हर तरह के वाहनों को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने में काफी असरदार साबित होता है। जहां एक औसत आकार का रोरो जहाज 4000 से 5000 वाहन ले जा पाने के लिए बना होता है, वहीं अब तक का बना सबसे बड़ा रोरो जहाज 8000 लग्जरी गाड़ियों को एक तय क्रम में ले जा सकता है, जो कि अंदर से देखने पर बिल्कुल एक विशाल गैराज जैसा लगता है। जहाज के अंदर हर वाहन को अपनी सुनिश्चित जगह पर रखा जाता है। कारों को लैशिंग के माध्यम से ठीक से बांध दिया जाता है। इस कारण वाहनों का जहाज पर उतारा या चढ़ाया जाना एक लंबा व अनुशासनबद्ध कार्य बन जाता है। हर वाहन को सुरक्षित तरीके से जहाज पर चढ़ा देने के बाद उस कार कंपनी का एक इंस्पेक्टर सभी कारों का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी कार को कहीं क्षति तो नहीं पहुंची। जैसा कि हमने आपको बताया, एक रोरो जहाज को अपने बिल्ट इन रैम्स के होते हुए किसी क्रेन पर वाहनों को चढ़ाने या उतारने के लिए निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर कुछ जहाज हैं जो इस काम के लिए क्रेन की सहायता लेते हैं। इन्हें हम लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ या फिर लोलो जहाज कहते हैं। देखा जाए तो फेरीज भी एक तरह के रोरो जहाज ही हैं, जो बस नदियों या समुद्र में एक निर्धारित कम दूरी तक ही संचालित होती हैं। रोरो जहाज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला कॉन रो। यह एक रोरो जहाज और एक आम कंटेनर जहाज का हाइब्रिड यानी कि मेल होता है। दूसरा LMSR, लार्ज मीडियम स्पीड रोल ऑन रोल ऑफ, जो नौसेना में पाया जाता है और जिसमें मिलिट्री वाहनों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीसरा रोलो, रोल ऑन लिफ्ट ऑफ, जिसमें रैंप और क्रेन दोनों होते हैं। और चौथा रोपैक्स, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर, जो कार्स और पैसेंजर दोनों लेकर जाते हैं। वैसे तो रोरो जहाज की संख्या दूसरे मर्चेंट नेवी जहाजों की तुलना में काफी कम है, पर फिर भी आज तक इनसे जुड़े कई दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं जिनके परिणाम काफी भयंकर साबित हुए। अब अगर बात करी जाए कार कैरियर्स की तो इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि इनकी ऊंची साइड वॉल्स अलग से ही नजर में आ जाती है। इन ऊंची साइड्स को हम फ्री बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। समुद्र में यात्रा के समय ये साइड वॉल्स तेज समुद्री हवाओं के कारण रोरो जहाज के कैप्टन के लिए काफी अनचाही बाधाएं ला सकती है। तेज समुद्री हवाओं के प्रकोप की चपेट में आकर जहाज अपने मार्ग से अलग जा सकता है और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में तो कभी कभी समुद्र में ही पलट जाने का भी खतरा होता है।
इन साइड वॉल्स के अलावा जहाज में कई सारे ट्विन डेक्स होते हैं जो वाहनों को एक दूसरे के ऊपर बिना क्षति पहुंचाए रख पाने में सहायक होते हैं। वहीं रोरो जहाज के अंदर की रैंप्स वाहन के ऊपर या नीचे के ट्विन डेक तक पहुंचने का कार्य करती हैं। कई रोरो जहाज में तो ट्विन डेक को ऊपर नीचे कर उनकी ऊंचाई भी निर्धारित की जा सकती है जो कार्गो स्पेस के सर्वोत्तम इस्तेमाल के लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। इस प्रकार की अद्भुत बनावट के कारण ही एक आम कार्गो जहाज की तुलना में एक रोरो जहाज को बनाने की लागत अक्सर काफी ज्यादा होती है तथा रोरो जहाज के कार्गो को हम लेन इन मीटर्स या LIMs में मापते हैं। अपने निर्धारित पोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी वाहनों की लैशिंग हटाई जाती है और शोर ड्राइवर्स द्वारा वाहनों को एक तय कार्गो प्लान सीक्वेंस के तहत जहाज से उतारा जाता है। जहाज की स्टेबिलिटी में कोई बाधा ना आए इसलिए चाहे वाहनों को जहाज पर चढ़ाना हो या फिर उतारना, कार्गो प्लान का पालन करना बेहद जरूरी होता है। मर्चेंट नेवी या कार्गो शिप के बारे में सोचने पर भले ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम रोरो जहाज का ना आए, पर फिर भी ये जरूर याद रखिएगा कि इनके बिना आपका किसी दूसरे देश से आई नई नवेली लग्जरी कार चलाने का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। क्या आपने कभी किसी रोरो जहाज या कोई अन्य कार्गो जहाज को देखा है? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।